चोपड़ा नीट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों जिपमर में एमबीबीएस के लिए एडमिशन तो इस बार नीट स्कोर पर होगा मगर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल बीएसएलपी कोर्स के लिए जिपमर द्वारा इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा अभी इन कोर्सेज़ के लिए कोविड नाइन्टीन के चलते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट पोस्टपोन हो रखी है जैसे ही ये डेट स्टार्ट होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे अभी जिपमर ने अपने इंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग एक नोटिस डाला है जिसमें स्टूडेंट को चेतावनी दी गई है इसमें कहा गया है कि जिपमर में यूजी और पीजी कोर्स के लिए एडमिशन इंट्रेंस एग्ज़ाम के मेरिट बेस पर लिया जाता है इसमें आगे लिखा है कि सभी एस्परेंट पेरेंट्स को सूचित किया जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कुछ लोग फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर मिसलीड कर रहे हैं कि वे आपको जिपमर में एडमिशन करवा देंगे और वो इसके लिए फीस भी चार्ज कर रहे हैं इसी संबंध में जिपमर ने एसप्रेंट और सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया है कि इन लोगों के झांसे में न आए जिपमर द्वारा एडमिशन के लिए किसी को भी अपॉइंट नहीं किया गया है और नहीं कोई इस प्रकार का एडमिशन के लिए फ़ीस ली जाती है अगर कोई स्टूडेंट इस प्रकार के किसी झांसे में आता है तो वो खुद इसका रिस्पॉन्सिबल रहेगा तो दोस्तों वीडियो का सारांश यही निकलता है कि अगर आपने जिपमर का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो किसी भी एजेंट के बहकावे में नहीं आना है इसकी सभी इंफॉर्मेशन आपको जिपमर की वेबसाइट जिपमर डॉट ई डी यू डॉट इन पर मिल जाएगी समय समय पर जो भी अपडेट होती हैं हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद